मेरे साथ लगा हुआ 115 ट्रैक्टर हम सभी पर्चा भरने के लिए गए थे। इतना जन समाज मेरे साथ लगा हुआ है, मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मेरे साथ लगे, उन्होंने मेरा इतना हौसला बढ़ा रखा, इतना हौसला बढ़ा रखा, मेरे जैसे उड़द पे एक सफेदी होती, इतना भी मेरे को संदेह नहीं। हमारी जीत इतनी भारी होगी कि हरिद्वार में हम फर्स्ट नंबर ले गए, क्योंकि मैंने वस्त्र अपने संत गुरु रविदास जी, बाबा साहब के, भगवान राम के, कृष्ण के मैंने वस्त्र पहन के, मुझे इनके ऊपर पूर्ण विश्वास है। काम करे यो चोला तेरे गाँव के काम आए, इसलिए मेरे प्यारे साथी मैं अपने गाँव में इलेक्शन लड़ने के लिए इसलिए आया। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया ताकि मैं अपने गांव को भी अपने आशीर्वाद एक स्वावलंबी बना दूँ, आत्मनिर्भर बना दूँ। इसलिए मेरे गांव में खेल खलियान खत्ते इनके बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। मेरा गांव कृषि प्रधान गांव है, वहां पर ना बीज गोदाम है, ना खाद का गोदाम है, वहां पर कोई गोदाम नहीं है। इनके लिए मैं सारी व्यवस्था करूँ, अपने गाँव में रोजगार पैदा करूँ, अपने गाँव में एक स्टेडियम की वो व्यवस्था नहीं, इनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। मेरे गाँव में शिक्षा के लिए इंटर कॉलेज नहीं, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, ये कोई व्यवस्था नहीं, कोई अस्पताल नहीं है, उसके लिए मैं काम। तो बातचीत करने के लिए घनश्याम जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे कि वो आखिर चुनावी मैदान में उतरे हैं, किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं। तो सबसे पहले आचार्य जी आपका स्वागत है ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा आचार्य जी, आप जो है चुनावी मैदान में हैं अब जो है, मतलब कि पहले जो है हीरो मोटर्स कंपनी में, फिर आपने जो है आचार्य आप हो गए, अब जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं, पर जो है राजनीति में जो है आप जो है कदम रख चुके हैं, चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं ग्राम पंचायत का, ये कैसे, क्या चीज़ें मन में आई आपका एकदम से कि मेरे को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? ऐसा श्रीमान जी, 2007 से 2016 तक मैं हीरो कंपनी में इंजीनियर था। 2016 में अपने दिमाग में ये आई कि यार मैं एक ऐसा प्लेटफार्म, एक ऐसा आश्रम, एक ऐसी संस्था बनाऊं जो मेरे मरने के बाद भी वो समाज के काम आए, वो स्वावलंबी हो। और 2016 में मैंने अपनी नौकरी छोड़कर, 83,000 रुपये पर महीने की नौकरी छोड़कर जंगल में अपनी झोंपड़ी बनाकर मैं वहाँ पर लगा, वहाँ पर मैंने तप किया, अपनी पढ़ाई का, अपने जज्बे का मैंने यूज करा और वहाँ पर लगातार संघर्ष करता रहा। स्वामी धर्मानंद जी के सानिध्य में हमने एक ऐसा प्लेटफार्म 5 साल में खड़ा करा, हमने उसमें फैक्ट्री बनाई, आश्रम बनाया, अपना हॉस्पिटल उसमें चलता है, हमने 7-8 करोड़ की संपत्ति वहाँ पर खड़ा करी, वहाँ से हमने भाद्राबाद में आकर बस के। उसी कार्यकाल में अपने दिमाग में एक बात आई, घनश्याम जब तू एक शून्य से उठकर इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर सकता है, अपने आप को स्वावलंबी बना सकता है, मेरे गांव में तो इंजीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सभी लड़के रहते हैं, क्यों ना तू अपने गांव के लिए भी काम करे, यो चोला तेरे गांव के काम आए, इसलिए मेरे प्यारे साथी मैं अपने गांव में इलेक्शन लड़ने के लिए इसलिए आया। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया ताकि मैं अपने गाँव को भी अपने आश्रम से एक स्वावलंबी बना दूँ, आत्मनिर्भर बना दूँ, इसलिए आया। किन मुद्दों को लेकर आप जो है चुनावी मैदान में हैं अभी? मेरे गाँव में चकबंदी चल रही है, चकबंदी में 4-4 बीस से जमीन कटती है, हजारों बीघा की संपत्ति मेरे गांव में ऐसे वो ख़त्म कर दी गई, उसका कोई पता नहीं कहां पर है। मैं चाहता हूं वो संपत्ति मेरे गरीब लोगों के काम आए, मेरे गांव में खेल खलियान खत्ते इनके बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। मेरा गांव कृषि प्रधान गांव है, वहाँ पर ना बीज गोदाम है, ना खाद का गोदाम है, वहाँ पर कोई गोदाम नहीं है। इनके लिए मैं सारी की व्यवस्था करूँ, अपने गांव में रोजगार पैदा करूँ, अपने गांव में एक स्टेडियम की वो व्यवस्था नहीं, इनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। मेरे गांव में शिक्षा के लिए इंटर कॉलेज नहीं, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, ये कोई व्यवस्था नहीं, कोई अस्पताल नहीं है, उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। जो पूर्व में जो प्रधान रहे उनके कार्य करने से आप कितने संतुष्ट है, अच्छा किया या बुरा किया? पूर्व प्रधान जो भी रहे उन्होंने जो भी काम किया उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, मैं तो सिर्फ अपने बारे में कहता हूँ कि मेरे को तो अपना गांव एक ऐसा गांव बनाना, ऐसी इब्राहिमपुर अपनी पंचायत बनानी है मेरी, ऐसी मेरी पंचायत हो जो पूरे देश में जानी जाए, और मेरे देश के समस्त पंचायतें मेरे इब्राहिमपुर मसाई कला पंचायत से वो प्रेरणा ले सके, मैं तो ऐसी चाहता हूँ। आप लगातार डोर टू डोर दौरा कर रहे हैं और जनसंपर्क लोगों से कर रहे हैं, तो आपको जो है किस तरह से जो है लोगों का प्यार मिल रहा है, कि क्या कंडीशन आप अपनी मान रहे हैं? मैं तो इस त्यौहार को, ये जो अपना इलेक्शन होने वाला है, इसे एक त्यौहार की तरह मना रहा हूँ। आने वाली 26 सितंबर को एक महापर्व होने जा रहा है और मेरे को इतनी खुशी है, जो जन सैलाब मेरे साथ लगा हुआ, 115 ट्रैक्टर हम सभी पर्चा भरने के लिए गए थे, इतना जन समाज मेरे साथ लगा हुआ है, मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मेरे साथ लगे, उन्होंने मेरा इतना हौसला बढ़ा रखा, इतना हौसला बढ़ा रखा, मेरे जैसे उड़द पे एक सफेदी होती, इतना भी मेरे को संदेह नहीं है। हमारी जीत इतनी भारी होगी कि हरिद्वार में हम फर्स्ट नंबर ले गए, क्योंकि मैंने वस्त्र अपने संत गुरु रविदास जी के, बाबा साहब के, भगवान राम के, कृष्ण के मैंने वस्त्र पहन के, मुझे इनके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वो कपड़े
उन कपड़ों की इज्जत मेरा समाज रखेगा और हरदार में हम फर्स्ट नंबर लेकर आएंगे। अच्छा आचार्य जी, अगर आपको यहाँ के लोग जो है प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आपको जिता करके भेज देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाई मेरे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, इसका सबसे पहले जो है समाधान होना चाहिए? पहले तो मेरे गाँव में चकबंदी दौर चल रहा, मैं अपने गाँव में खेल की खलिहान की खत्तों की बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम की व्यवस्था करवाऊंगा, गांव से बाईपास रोड निकालने का काम करवाऊंगा, क्योंकि उसका समय निश्चित है। वो आने वाले एक दो साल में वो सारे चकबंदी होकर वो अपनी तहसील में जमा हो जाएंगे, इसलिए मेरे को वो भी सबसे पहले करना, क्योंकि मेरा विकास तभी होगा जब मेरे गाँव में कुछ संपत्ति ग्राम समाज की होगी, उसमें खेल खलिहान खत्ते ये सब कुछ होंगे, तभी तो हम विकास कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्लेटफार्म नहीं होगा, ज़मीन नहीं होगी, तो हम क्या का विकास करेंगे? कहाँ हम हॉस्पिटल बनाएंगे? कहाँ पर हम अपना अस्पताल बनाएंगे? अगर वो नहीं होगा तो हम कुछ नहीं, वो सबसे पहला मेरा कर्तव्य बनता है। अच्छा जी, क्या आप जो है ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश आप अपने क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को देना चाहेंगे? मैं अपनी पंचायत के समस्त ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, आने वाली 26 सितंबर को इमली का मोहर मारकर उसको भारी मतों से विजय बनाना है। कोई चुनाव मैं नहीं लड़ रहा है, इब्राहिमपुर मसाई कला के हर एक गरीब व्यक्ति लड़ रहा है, अपने विकास के लिए लड़ रहा है, ताकि मेरा गांव एक बहुत बड़ी बुलंदियों पर छुएँ और एक मिसाल कायम कर दे कि एक सन्यासी चुनाव लड़ा था तो सन्यासी हरिद्वार में फर्स्ट नंबर लेकर आया। तो ये आचार्य जी थे हमारे साथ में, जो कि यहाँ से ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी, यहाँ के ग्रामीण तय करेंगे, क्योंकि ये जो इब्राहिमपुर का जो चुनाव है ये बहुत ही रोचक चुनाव यहाँ का है, क्योंकि सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर ग्रामीणों का प्यार किसे मिलता है और जो जीत का जो सर बनने वाला है उसके वो जीत का ताज जो है किसके सर पर बनता है। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।